चलो देखो, लास्ट लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का, और अपन ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी। डेरिवेशन के अंदर अपने पास अपना फाइनल रिजल्ट क्या आया था, के इज इक्वल टू 1/d इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन, ये अपने पास अपना रिलेशन आया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको दो ग्राफ भी बनवाए थे। एक मैंने आपको ग्राफ बनवाया था यहाँ पे रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन का, और जो हमारा दूसरा ग्राफ था वो दूसरा ग्राफ मैंने आपको बनवाया था कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो ये दो कर्व भी आपने बनाए थे। आज आप स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ से, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर की भी डेरिवेशन करेंगे। तो मतलब डेरिवेशन वाला काम है हमारा। एक डेरिवेशन आपको समझ में आ गई, फिर आपको सारी डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे। इसके बाद अभी भी अपनी तीन डेरिवेशंस बची हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर की एक है, सेकंड ऑर्डर की दो अपने पास डेरिवेशंस हैं। जब दोनों रिएक्टेंट सेम होंगे या दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे उसके दो केस हैं। फटाफट आप स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर में अपन ने इक्वेशन डिराइव कर ली थी, ये दो ग्राफ अपन ने बना लिए थे। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे पढ़ना था अपना हाफ लाइफ रिएक्शन या हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे? हाफ लाइफ हमारा वो टाइम होता है जिस टाइम में हमारा जो रिएक्टेंट है वो अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन से आधा रिएक्ट कर चुका होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मेरे पास 20 ग्राम रिएक्टेंट है, मैंने उसकी रिएक्शन स्टार्ट करवा दी, वो रिएक्ट करते करते अपनी अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है। 20 ग्राम से डिक्रीज होता होता वो 10 ग्राम पे आ गया। तो जो 10 ग्राम अमाउंट है वो उसकी इनिशियल अमाउंट का हाफ है। तो हमारे रिएक्टेंट को हाफ रिएक्ट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। बच्चों ने बोला सर क्या जरूरत है, चलने दो, जब अपना नॉर्मल काम चल रहा है तो आप हाफ लाइफ पीरियड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। बात भी बिल्कुल सही है, नॉर्मल रिएक्टेंट्स के अंदर हाफ लाइफ का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या जो हमारी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हाफ लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाफ लाइफ से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल है वो कितने टाइम के बाद रेडियोएक्टिविटी शो करेगा, उससे हमें जो डैमेज होगा हम उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन कर रहा हूं। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसको आप डिनोट करेंगे टी हाफ से, ये हमारा सिंबल है। इट इज डिफाइंड एज टोटल टाइम इन विच हाफ ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट की हाफ कंसेंट्रेशन जो है वो रिएक्ट हो जाएगी। दिस इंप्लाइज व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ द फाइनल कंसेंट्रेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। जब हमारा टाइम हाफ लाइफ पे पहुंच जाता है तब हमारे जो कंपाउंड की फाइनलेशन थी वो इनिशियल कंसेंट्रेशन से हाफ आती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूं। इस इक्वेशन को आपने कोई नंबर दिया था, क्या नंबर दिया था, 1 2 3 चेक करो। फोर चलो फोर, तो ये था इक्वेशन फोर। तो यहां पे मैंने ये वाली वैल्यूज लिखी, पुट इन इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा के 1/t हाफ। टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देता हूं, a नॉट बाय टू।
तो यहाँ पे a नॉट है, a नॉट में से a नॉट बाय टू जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू वन बाय t हाफ a नॉट बाय टू, फिर ये ऊपर ये नीचे फाइनल डिसीजन आ जाएगा, फाइनल जो अपना रिलेशन है t हाफ इज इक्वल टू वन बाय k a नॉट बाय टू। ये अपने पास अपना हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये हाफ लाइफ आई। क्या देखा आपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, हाफ लाइफ आने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा डी हाफ की वैल्यू आएगी। तो यहां से आप क्या समझे, दिस इंप्लाइज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारी बातें मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग रिएक्शन आते हैं। तो यहां पे अपने पास अपना हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया और उसी के साथ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। नो सर। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपना केस था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को वर्डिंग में डिफाइन करो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिनमें हमारी रिएक्शन का रेट वन कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। जब हमारा रेट जीरो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है तो जीरो ऑर्डर, वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, टू कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंडेंट होगा तो सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से डेफिनेशन आपने देनी होती है। तो यहां पे मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ? हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल। मैं भूल गया, सॉरी, बनवा देता हूँ साइड में, एक बार हेडिंग पूरी कर लेता हूँ। हाफ लाइफ के अंदर जो मैंने आपको लास्ट रिलेशन बताया ना, वहां से ग्राफ बन जाएगा। लास्ट मैंने आपको क्या लिखवाया, t half is directly proportional to initial concentration. बनाकर directly proportional का ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पे अपने पास अपनी initial concentration, यहां पे अपने पास अपना t half, directly proportional है या? कोई दिक्कत हो ग्राफ में? No sir. चलो तो ये ग्राफ आप बना सकते हो, zero order का ग्राफ है, बना लेना, कोई बात नहीं। तो यहां पे अपने पास जीरो ऑर्डर वाला काम था, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर का काम। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको बता रहा हूं आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर देते हैं। रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन only one concentration term of reactant. Is called first order reaction. वो रिएक्शन जिसमें हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक ही कंसेंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट होगा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, कंसीडर द जनरल रिएक्शन रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट में टाइम होता है जीरो। सपोज करो यहां पे इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए है, स्मॉल ए। अभी इनिशियल स्टेट है, टाइम जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो उस केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी जीरो।
फिर हम लिखेंगे फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट्स टी इज इक्वल टू टी सेकेंड. अब क्या हुआ, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की ना, सपोज एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर दी, तो जो अमाउंट रिएक्ट कर गई वो माइनस करनी पड़ेगी. इनिशियल कंसेंट्रेशन थी ए, एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गई तो बची कितनी, ए माइनस एक्स. अब जितनी कंसेंट्रेशन यहां पे रिएक्ट हुई थी उतनी ही कंसेंट्रेशन यहां पे फॉर्म हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आ गई एक्स. इनको आप वर्डिंग में भी डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए बी द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स. ऑल्सो आफ्टर टाइम टी द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is a minus x and amount of product produced या product form is x. जो symbols है उन symbols का meaning मैंने यहां पर लिख दिया है completely, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. तो ये मैंने यहां पर आपको theory बता दी. देखो डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन में मैथमेटिकल स्टेप से मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए, उससे आपकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी सुंदर लगती है. सुंदर लगने का मतलब ये है कि टीचर उसको इजीली पढ़ लेता है और आपको नंबर दे देता है. सिर्फ मैथमेटिकल काम कर गया होगा तो टीचर आपके नंबर काट सकता है, तो इस चीज से थोड़ा सा ध्यान रखिए. तो ये हमारी थ्योरी हो गई अप्लाइंग रेट लॉ. रेट लॉ अप्लाई कर दो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वन. वन पावर क्यों लगाई मैंने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब देखो रेट में डिफाइन कर रहा हूं प्रोडक्ट की टर्म्स में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी एक्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास रेट आएगा डीएक्स बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. प्रोडक्ट की फॉर्म में है dx by dt. के फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या आ रही है, a माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं a माइनस एक्स. तो हमारी जो रेट वाली इक्वेशन थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लेता हूं, बिना एक्स वाले इकट्ठे कर लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स k dt. इकट्ठे हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो भाई इंटीग्रेट, dx बाय a माइनस एक्स इंटू के डी टी. अब नॉन मेडिकल वाले बच्चे इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको फॉर्मूला बताना पड़ेगा, फॉर्मूला बता देता हूं. यहां पे आप बच्चे इंटीग्रेट कर रहे हैं वन बाय ए माइनस एक्स. तो देखो अगर मैं आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन बताऊंगा तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे और आपको समझ में भी ना आए, तो आप फॉर्मूला को डायरेक्टली याद करो. जब अपने पास ये चीज आती है इसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चे log a माइनस एक्स, जो भी हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर में इक्वेशन था वो log में आ जाएगा. log को मैंने यहां पे लिखा ln. ln क्या होता है, ln होता है नेचुरल log. केमिस्ट्री में तो कसम खा लो जब भी आपने log यूज करना है हमेशा नेचुरल log यूज करती है, पहली चीज. दूसरी चीज इसके आंसर में माइनस आएगा, वो माइनस क्यों आएगा उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं. इसकी हमने इंटीग्रेशन की लॉग में आ गई, यहां पे अपना एक्स माइनस में है तो बाहर भी माइनस आएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, आपको एज इट इज याद करना है. तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस लॉग ए माइनस एक्स. इसकी इंटीग्रेशन मैंने जीरो में भी बताई थी, जीरो ऑर्डर में,
के हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो सी तो आएगा ही आएगा, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं नंबर वन बोल देता हूं, ये इक्वेशन आ गई नंबर टू। अब नंबर टू इक्वेशन में क्या हुआ, सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो यूज करो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, सॉरी एक मिनट, बाउंड्री कंडीशन नहीं, इनिशियल कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन तो आप बीएससी फाइनल ईयर में लगाएंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो यहां पे आएगा यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। क्या थी इनिशियल कंडीशन भाई, टाइम था जीरो, और जब टाइम जीरो था तो कंसेंट्रेशन थी ए। व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन टू में टाइम की वैल्यू जीरो पुट करनी है और ए माइनस एक्स की जगह पे ए पुट करना है। तो लिखो पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट कर दो भाई, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। ये जीरो हो जाएगा, मेरे पास सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉग ए। सी की जो वैल्यू आ गई वो मैं इक्वेशन टू में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन टू। तो यहां पे देखो इक्वेशन टू में पुट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। अब ये माइनस का लॉग है, यहां पे आके प्लस हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। लॉग वाले दो नंबर जो है वो माइनस में आ रही है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर लॉग वाले दो नंबर माइनस में आ रहे हो तो उनको फिर आप डिवाइड में लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं, दोनों लॉग वाले नंबर माइनस में है, माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएंगे, लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, यहां पे हमारे पास आ गया के टी। अब देखो फाइनल टचिंग दे रहा हूं मैं, टी मल्टीप्लाई में है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग है, इसको लॉग बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.303 ये टी मल्टीप्लाई में था, यहां पे आके डिवाइड में आ गया, लॉग ऑफ ए इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए माइनस एक्स इज द फाइनल कंसेंट्रेशन, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री बोल रहा हूं। ये है हमारे पास k इज इक्वल टू, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय t लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। तो ये हमारे पास हमारा केस है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नो सर। सर ये जो आपने साइड में बताए हैं ये मेंशन करने हैं? मेंशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखो मोस्टली टीचर्स को पता होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब आप पेपर में करोगे तो जितनी चीजें आप बता सकते हो बताओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और सर आपने इसमें फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 1 लिखना है ऊपर। हाँ जी, ये भी बताना है बच्चे, ये मैंने बोला था ना अप्लाइंग द रेट लॉ, तो रेट लॉ को अप्लाई करके जो बस ये क्वेश्चन है, तो ये भी जरूरी है। ओके सर।
हाँ जी, और कोई डाउट हो किसी का तो बोल सकते हैं। चलो तो ये अपने पास अपना केस आ गया यहां पे। अब एक बार इसको देखो, जो अपने पास ये वाली इक्वेशन आई है, ये तो मैंने आपको सिंपल इक्वेशन बताई। हम हमारे फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट, देखो। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसी की एक और फॉर्म में आपको बता रहा हूं। देखो मेरे पास यहां पे ये वाला फॉर्मूला था, इसको लिख रहा हूं मैं। वी हैव लॉग ए बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखो एक बार, ए यहां पे क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स यहां पे क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन। तो मैं ना इसका थोड़ा सा सिंपल चेंज कर रहा हूं, लेट सी नॉट इज इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये एक इक्वल आएगा, ए की जगह लिखूंगा सी नॉट, सी टी इज द फाइनल कंसंट्रेशन और ये थी a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स की जगह लिखूंगा ct। तो ये दो सिंपल मैं यूज कर रहा हूं यहां पे। क्या बन गई इक्वेशन, log c नॉट बाय ct इज इक्वल टू kt। अब देखो इनको उल्टा कर रहा हूं मैं, ct ऊपर ले आऊंगा, c नॉट नीचे ले आऊंगा, उससे क्या होगा, उससे बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन उल्टी कर दी ना, तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, माइनस लॉग सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी। ये माइनस यहां शिफ्ट हो गया तो मेरे पास आएगा लॉग सी टी बाय सी नॉट माइनस के टी। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग यहां पे जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये सिंपल लॉग होता, लॉग बेस पावर 10, तो वो वाला लॉग यहां पे जाके एंटी लॉग बन जाता। ये सिंपल लॉग नहीं है, ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग यहां पे जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो मेरे पास आ गया सी टी बाय सी नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस के टी। ये डिवाइड में है, यहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया फाइनल कंसेंट्रेशन सी टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ये हमारे पास हमारी दूसरी फॉर्म आ गई, दैट इज इंटीग्रेटेड फॉर्म का दूसरा पॉइंट है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी, तो यहां तक आपने कर लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का काम। अब अपने को यहाँ पे एक आधा कोई ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन। तो यहां पे आपने क्या देखा था, जो मैंने पहले वाली इक्वेशन लिखी थी, पहले वाली इक्वेशन थी हमारे पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वन। जो हमारा रेट है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट ऑर्डर में। तो यहां पे अपने पास क्या ग्राफ बनेगा, रेट आएगा मेरा वाई एक्सिस पे, कंसंट्रेशन आएगी एक्स एक्सिस पे, ये ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ तो ये बनेगा,
लेकिन जब आपको ये ग्राफ पढ़ना होता है या स्टडी करना होता है ना, तो आप हमेशा उल्टा पढ़ते हैं ग्राफ, हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे आएंगे। अब ऐसा क्यों? देखो जब आप रिएक्शन पढ़ते हो, रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टेंट होता है ज्यादा अमाउंट में, यानी कि रिएक्टेंट की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, इसलिए रेट भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पे रेट भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो इसको स्टडी आप उल्टा करती है। तो बनाया हमने कैसे वो मैटर नहीं करता, जब स्टडी करेंगे तो इसको हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे जाएंगे। ये हमारे पास हमारा पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो अपने को यहाँ पे बनाया है ना, दूसरा ग्राफ आप बनाएंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करके। मैं इस इक्वेशन को नंबर दे देता हूँ। ये अपने पास अभी 3 इक्वेशन थी ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को यूज करके आप अपना दूसरा ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे, जो दूसरा प्लॉट है ना, जो दूसरा ग्राफ है, उसकी अभी मैं आपको हेडिंग बताएंगे। हेडिंग जो है वो आप अपने आप देख लेंगे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार हेडिंग के लिए मैंने जगह छोड़ दी। इक्वेशन देखो, वी हैव सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो आप लॉग लेके इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। हमारे पास आएगा लॉग सी टी लॉग सी नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी, दोनों साइड पे लॉग ले लिया मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी ऐसे भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में आ रही है। लॉग में जब दो नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं ना, तो आप उनको एडिशन में लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी लॉग सी टी, राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा लॉग सी नॉट प्लस लॉग e raise to power minus kt। तो ये अपने पास अपना केस आ गया। log और exponential एक दूसरे को ना कैंसिल कर देते होते हैं। तो यहां पे मेरे पास आएगा log ct log c not, ये कैंसिल हो गया माइनस kt। log और exponential तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पावर बची ना, तो पावर आ गई माइनस kt। इसको कंपेयर कर लो बच्चे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। ये मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ा होगा, प्लस वन की मैथ में, प्लस वन की मैथ में आप पढ़ते होते थे स्ट्रेट लाइंस। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से बहुत हेल्प मिलती है ग्राफ बनाने की। अब देखो मैं हेडिंग बना रहा हूं, y पे कौन आया, y पे आया हमारा log ct, x पे कौन आया, x पे आया टाइम। तो ये हमारा प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लॉग सीटी वर्सेस टाइम। तो ये मेरे पास मेरा दूसरा ग्राफ आया। देखो ग्राफ बना रहा हूं, y एक्सिस पे आएगा लॉग सीटी, x एक्सिस पे आएगा टाइम। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, एक्सिस डिफाइन हो गई, यहां से एक्सिस डिफाइन हो गई, यहां से एक्सिस डिफाइन हो गई। एम यहां पे क्या है, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के। जो हमारी स्लोप है यानी कि एम, एम की वैल्यू आ रही है माइनस के। अब ये छोड़ो वैल्यू क्या आ रही है, साइन देखो, यहां पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव स्लोप को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है हमारा इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट कौन बताएगा, सी बताएगा। सी होता है हमारा इंटरसेप्ट,
जो आ रहा है log c नॉट के बराबर, तो ये वाली जो हमारी लेंथ है ये लेंथ क्या होगी log c नॉट, इसकी जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगी माइनस के। तो सारे सिंबल मैंने यूज कर लिए, यूज करके ग्राफ बना लिया, ये आ जाएगा अपने पास अपना सेकंड ग्राफ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चे। नो सर। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये अपने पास अपना केस आ गया इंटीग्रेटिव रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। हमने इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन की दूसरी फॉर्म निकाल ली, उसके ग्राफ भी बना लिए। अभी आप पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी इसलिए डेफिनेशन यहां पे दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन पेपर में लिख के आना, पेपर में ये मत बोलना कि जीरो ऑर्डर में लिख ली थी। जरूरी थोड़ी है पेपर में जीरो ऑर्डर आएगा। जब भी आपके पास हाफ लाइफ आएगा आपको हाफ लाइफ डिफाइन करनी है। मैंने पहले डिफाइन कर दी, अपने तो टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं तो मैं पहले नहीं कर रहा, सॉरी अब नहीं कर रहा। तो आपने पेपर में लिख के आनी है कि इट इज द टोटल टाइम इन विच हाफ ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। तो ये लिख के आना बार बार, जब भी पूछा जाएगा लिख के आना, 10 बार पूछे तो 10 बार लिख के आओ। पेपर में ये मत बोलना कि पहले बताते सर अब नहीं बता रहे, तो इसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सीधा एक बार कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेफिनेशन मेंशन करनी है, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ फाइनल कंसेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये दोनों जो अपने पास हैं इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन थ्री में, पुट इन इक्वेशन थ्री, कर दो इक्वेशन थ्री में पुट। हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। तो यहां पे क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। K इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग 2। अब लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.3010। तो यहां देखो टी हाफ को ऊपर ले गया, K को नीचे ले आया। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ये अपने पास अपनी हाफ लाइफ आ गई। क्या देखा आपने, जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इक्वेशन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन हो चाहे फाइनल कंसंट्रेशन हो, डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हमारे पास यहां पे ग्राफ क्या बनेगा, यहां पे आ रहा है टी हाफ, यहां पे आ रही है कंसंट्रेशन। क्या ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन चेंज करते रहो, टी हाफ की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज होती रहे, हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। तो ये था अपने पास अपना फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलिए, तो ये था अपने पास अपना फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। कल फिर आप करेंगे सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस।
सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आती होती हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर न्यूमेरिकल भी नहीं है, एक तरह से प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो। तो वो प्रूफ वाले दो तीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो भी पेपर में आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में। तो वो क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर ये सब आप डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।